नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल लोन फ्री इंडिया यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, मेरा नाम है सैलू रॉय, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, मैं आज आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी लोन ऐप्स से ऑनलाइन लोन लेने की सोच रहे हो या लोन लेने वाले हो, तो आपको लोन लेने से पहले किन किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए कि जिससे अगर आपका लोन ओवरड्यू हो जाए भविष्य में, या फिर आपके साथ कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए लोन लेने से पहले। तो आज हम इसी चीज के बारे में बात करेंगे। दोस्तों देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दें। और दोस्तों देखिए, चलो आगे की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, अगर आप ऑनलाइन लोन ले रहे हो तो लोन लेने से पहले आपको सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट का, क्योंकि कभी भी जब भी आपका लोन ओवरड्यू होता है ना, तो सबसे पहले लोगों के पास एक ही हथियार होता है, आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट। अगर आप आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी से ले रहे हो तो वो तो चलो आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट पे सभी पे कॉल नहीं करती हैं, आपने जो रेफरेंस में नंबर दिए हैं उन पर कॉल करेंगी। लेकिन आप किसी फर्जी लोन ऐप से लोन ले रहे हो, जैसे कि कोई चाइनीज ऐप है, अपने इंडिया में भी काफी सारे बनते हैं, उनसे लोन ले रहे हो, तो भाई उनके लिए एक सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट। उसके अलावा वो लोग आपकी कोई ना तो क्रेडिट हिस्ट्री देखते हैं ना कुछ, बस आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट पे आपको लोन देते हैं। तो आप जब भी लोन ले लो ना, तो सबसे पहले अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट को फर्जी रेडी कर लेना कि जिससे उनके पास आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट ना जा सके। जैसे आपका मम्मी, आपके पिताजी, आपके रिश्तेदार, चाचा, चाची, ताऊ, ताई, सभी के नंबर जाएंगे। अगर आप डिफॉल्ट हो गए, अगर आपने रीपेमेंट नहीं किया, तो वो क्या करेंगे? सबसे पहले उन्हीं को कॉल करेंगे और आपकी गंदी फोटो, जो भी आपकी गंदी फोटो, जैसे आपके पैन कार्ड पे लिख देंगे चोर, आपके पैन कार्ड पे कोई अश्लील फोटो डाल देंगे, उसको सेंड करेंगे उन लोगों के पास, यहाँ पर आपके आधार कार्ड पे लिख देंगे चोर, अश्लील फोटो डाल के उनको सेंड कर देंगे। और एक काम ना, देखिए मैं बता दूं आपको, आजकल रजिस्टर्ड एनबीएफसी भी करने लगी है। पहले तो चलो चाइनीज एफसी करते थे, आजकल आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी भी ये काम करने लगी है। तो सबसे पहले आपको अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट को ध्यान रखना है, उनको जो आपकी ओरिजिनल कॉन्टेक्ट लिस्ट है ना भाई, वो बिल्कुल भी नहीं देनी। आप प्लीज उसे हटा के कोई फर्जी कॉन्टेक्ट लिस्ट, मम्मी के नाम से, पापा के नाम से, भाई के नाम से, अंकल के नाम से, ऐसे ऐड कर लो। उनको पता, उन्हें लगना चाहिए कि हाँ ये फर्जी नहीं है, ओरिजिनल ही है, ठीक है। और दोस्तों दूसरी देखो बात यह है कि जब भी आप लोन लो ना, तो अपनी जो गैलरी का एक्सेस है ना भाई, वो भी ध्यान से देना। गैलरी का एक्सेस देने से पहले आपकी जो भी फोटो या वीडियो हैं उनको आप हाइड कर दो, या फिर ऐसे कोई नया मोबाइल लो, मतलब नया नहीं, जो आपके पास पुराना फोन हो उसमें से आप अपनी गैलरी को हटा दो, और अपने जो मैसेज होते हैं ना, मैसेज उनको भी हटा दो। कोई भी परमिशन अपनी भाई इनके पास मत देना आप, भूल कर भी, चाहे कोई आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी हो या फिर कोई फेक लोन है। कभी भी अपनी कोई भी कॉन्टेक्ट लिस्ट है, या देखो एक और बात बताऊँ आपको, आप जब लोन लेते हो तो ये लोग रेफरेंस के नंबर पूछते हैं कि आप अपने रेफरेंस में कौन सा नंबर डालोगे, एक दो या तीन रेफरेंस में नंबर मांगते हैं। तो रेफरेंस में जो भी नंबर डालो ना भाई, वो भी रियल नहीं होने चाहिए, क्योंकि रेफरेंस में तो कॉल 100% जाएगा जब आपका लोन ओवरड्यू हो जाएगा। तो इस चीज़ का दोस्तों खास ध्यान रखना। और देखिए, लोन लेने से पहले इनकी इंटरेस्ट रेट भी आप चेक कर लेना, क्योंकि इन लोगों की इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, 30%, 40%, 50%। देखो किस्त का एक सीन बताता हूँ मैं आपको, किस्त का क्या सीन है कि जब भी आप किस्त से लोन लोगे ना, तो वो 400-500 रुपए का तो हर बार अपना प्रीमियम जो इंश्योरेंस होता है ना, वो सेल करेगा। उसके बाद उनकी फाइल चार्ज वगैरह वो तो सब में कटती हैं, जीएसटी, फाइल चार्ज, प्रोसेसिंग फीस, सब में कटती है। किस्त का क्या है कि एक साल के लिए देता है आपको इंश्योरेंस, पर आपने जैसे लोन भर दिया आज और आपको कल लेना है, तो कल भी आपको वो 500 रुपए का इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। किस्त का ये सीन है हमेशा का, किस्त आपको भाई बहुत तगड़ी तरीके से ठगता है। 15 दिन के लिए लोन देता है पहली बात तो, अभी कर खैर उन लोगों ने ज़्यादा टाइम बढ़ा दिया अपना। और सभी लोन ऐप की भाई अलग अलग हिस्ट्री, आप जानते हो, देखिए आपने कई सारे वीडियोज़ देखे होंगे यूट्यूब पर, आप सर्च मार लो भाई, कई सारे वीडियोज हैं कि लोन लेने से पहले क्या करें, अगर हम लोन लेते हैं ऑनलाइन तो हमारे साथ क्या क्या परेशानी हो सकती है। मैं आपको ये सारी बातें बता रहा हूँ इसमें। देखो दोस्तों, अगर आपको जानकारी थोड़ी सी भी समझ में आ रही हो ना, तो प्लीज आपसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर दो, और प्यारा सा कमेंट कर दो कि हाँ भाई आपने जो बात बताई है वो वास्तव में होती है, ठीक है। आपको ये कर देना, अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट
फेक बनानी है। रेफरेंस में आपको अपने ओरिजिनल नंबर नहीं देने, कभी भी मत देना। उसके बाद अपने जो कॉन्टेक्ट लिस्ट हो गई, आपको गैलरी है ना, गैलरी को ऐड करके कोई वैसी फोटो खींच के अपने उसमें डाल रखो, और जो अपनी ओरिजिनल गैलरी है ना भाई, उनके पास जाने मत देना, क्योंकि वो सारी परमिशन के एक्सेस मांगते हैं आपसे, आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट के, मैसेज के, गैलरी के, लोकेशन के, ना जाने क्या क्या परमिशन मांगते हैं। कभी कभी तो आपके अलार्म का भी परमिशन मांग लेंगे। ऐसा थोड़ी ना होता है यार, इन लोगों को पता है कि देखो अनसिक्योर लोन है, ये लोग हमारे पास कुछ गिरवी तो रख नहीं रहे, तो इनसे पैसे निकलवाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही आप परमिशन दोगे तो इनके पास सारा का सारा डाटा सेव हो जाता है। और आप कभी ये मत सर्च करना कि हम अपने फोन से जो लोन ऐप हैं उनकी कॉन्टेक्ट लिस्ट कैसे डिलीट करें, ये कभी भी डिलीट नहीं होती भाई, कभी भी। चाहे कोई यूट्यूबर आपको कैसे भी बता दे, कोई बताएगा क्लाउड वर्किंग, कोई बताएगा कि आप दूसरी कॉन्टेक्ट लिस्ट ऐड करके दोबारा से ऐप को डाउनलोड करो, कभी आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट डिलीट नहीं होगी। बस आपको यह ध्यान रखना है कि जब आप लोन को डाउनलोड करें, लोन लेने से पहले आपने जो दी है वो उनके पास हमेशा सेव हो जाती है। आपने जो दे दी देखो वो तो सेव ही है, और जो आप अलग से बनाओगे ना कॉन्टेक्ट लिस्ट भाई, वो भी सेव हो जाती है उनके पास। उनके पास तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है जा रही है वो हमेशा सेव रखते हैं, क्योंकि जब मेरा लोन ओवर ड्यू होता है ना, तो उसके 6 महीने बाद क्रेडिट वी की तरफ से मुझे कॉल आता है, और उन लोगों के रिकवरी एजेंट ने, जो क्रेडिट वी के रिकवरी एजेंट हैं, मेरे लिए मेरे सारे के सारे कॉन्टेक्ट लिस्ट बताए थे, वो भी व्हाट्सअप पे, कॉल पे नहीं बताते, क्योंकि आपको पता है व्हाट्सअप की रिकॉर्डिंग नहीं कर पाते हम, कॉल की तो रिकॉर्डिंग भी हो जाती है। उन लोगों ने व्हाट्सअप पे मुझे बताए, ये मेरी मम्मी का, पापा का, भैया का, सभी रिश्तेदारों के नाम बताए। भाई उस टाइम पे मेरी हालत बहुत खराब हुई थी, पर क्या है कि अभी तो खैर मैंने पेमेंट वगैरह कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। पर उस टाइम पे ना मैंने एक काम किया था जो आप भी कर सकते हो, ये जो वीडियो आई बटन में दे रखी है और उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, अगर आपके साथ कभी ऐसा होता है ना तो आप उस वीडियो को जरूर देख लेना। उसमें मैंने बताया कि अगर आपको कोई आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी हो, आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही है ना, तो आप उस वीडियो के जरिए मेल कर सकते हो, ट्वीट करके जो भी आपकी समस्या है भाई उसका समाधान कर सकते हो। उससे क्या है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी ना, तो वो आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट पे कॉल करेंगे ना आपके रेफरेंस पे, तो करते हैं यार, इस चीज को तो मैं इनकार नहीं कर सकता, रेफरेंस पे हमेशा कॉल करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक करना, और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।